हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिज़ाइनर फुल अंगरखा पैटर्न कुर्ती बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है 2.25 मीटर, ये कॉटन का है, और प्लेन फैब्रिक लिया है मैंने 1.5 मीटर, ये रेयन का है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये जुड़ी हुई साइड है। और कुर्ती की लेंथ मैंने ली है 45 इंच। यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम ऊपर से कमर की लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच, और हिप लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 20 इंच। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। आपका जो चेस्ट का साइज़ हो उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। और जहाँ हमने कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। और जहाँ पर हमने हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर देंगे नीचे बॉटम तक। अब यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है, और यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है, और 1/2 इंच अंदर से एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच, और नेक डीप मैं ले रही हूँ 6.5 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। बैक के लिए हम राउंड शेप देंगे, और फ्रंट के लिए हमें कर्व वी शेप देना है इस तरह से। तो देखिए, मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को हम फिर से फोल्ड करेंगे। और अभी हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। अभी देखिए, इस पॉइंट को हमें एक्सटेंड कर देना है यहाँ तक। फ्री हैंड से हम इसे ड्रॉ करेंगे, कर्व शेप में इसे ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने कटिंग कर ली है। अभी हम प्लेन फैब्रिक लेंगे। ये देखिए, ये सिंगल है, और इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे। इसे हम उल्टा रखेंगे, अच्छे से रखना है यहाँ पर, और इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हम प्रिंटेड पार्ट को उठाएंगे और प्लेन पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर देंगे इस तरह से। अभी यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन होगी इस तरह से। अब 2 इंच के बाद में हम 4 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक इस तरह से। और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट आएगा। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये ओपन साइड है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 9 इंच का। जितना आपका आर्म होल है उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव की लेंथ मैंने ली है 12 इंच। अभी यहाँ पर ओपन साइड से हम 3 इंच डाउन मार्क करेंगे, और यहाँ से हमें स्लीव का शेप दे देना है।
और स्लीव बॉटम लेना है तो स्लीव बॉटम में ले रही हूँ 6 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव की कटिंग कर ली है, अभी हम इसे ओपन करेंगे और 1/2 इंच अंदर से मार्क करते हुए फ्रंट स्लीव कट कर देंगे इस तरह से। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो सबसे पहले हम प्रिंटेड पार्ट को साइड में रखेंगे। अभी हम नेक पार्ट बनाएंगे तो इसके लिए ये हमने क्रॉस स्ट्रिप ली है, तिरछी पट्टी, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है, अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद में हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने नेक पार्ट बना लिया है। अभी हम प्रिंटेड वाला पार्ट लेंगे। देखिए यहाँ पर हम डोरी अटैच करेंगे तो इसके लिए ये हमने 2 डोरियाँ ली है। अभी कॉर्नर पे हमें मार्क करना है और एक डोरी को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे और यहाँ से 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पर हम दूसरी डोरी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने डोरियों को अटैच कर लिया है। अभी हमने एक तिरछी पट्टी ली है, ये देखिए, और इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, पूरा नीचे तक हम पट्टी को स्टिच करेंगे, किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नेक पार्ट बना लिया है और हमारी डोरी भी अटैच हो गई है। अभी हम प्लेन वाला पार्ट लेंगे, इसे इसके नीचे रखेंगे दोनों पार्ट्स को अच्छे से हमें रखना है, दोनों की साइड्स अच्छे से मिलाते हुए रखनी है। अभी देखिए हमें यहाँ पर साइड में भी डोरी अटैच कर लेनी है तो इसके लिए हमने ये 2 डोरियाँ ली है और इस डोरी के सामने हम मार्क करेंगे और यहाँ पर हम डोरी को स्टिच करेंगे और इसी तरह से इस डोरी के सामने हम मार्क करेंगे और दूसरी डोरी को स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डोरी को स्टिच कर लिया है। अभी हम यहाँ पर इसे पिन लगा लेंगे जिससे कि ये हिले ना, तो नेक पार्ट को मिलाते हुए हमें पिन लगा लेनी है। यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे, यहाँ पर साइड्स में भी पिन लगा लेंगे। अभी यहाँ पर हम साइड्स में स्टिच कर लेंगे इस तरह से, दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने साइड को अटैच कर लिया है, यहाँ पर ये हमारा ऐसे ही रहेगा ओपन। अभी ये हमारा बैक का पार्ट है तो हम बैक नेक बनाएंगे। इसके लिए हमने ये स्ट्रिप ली है नेक के शेप की, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है, अभी हम यहाँ पर कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद में हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर नेक बना लिया है, अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे। अभी देखिए स्लीव में हम ये बॉर्डर लगाएंगे तो बॉर्डर की लेंथ मैंने ली है 4 इंच। बॉर्डर को हम स्लीव के ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है, अभी हम बॉर्डर को सीधी साइड में टर्न करेंगे और बॉर्डर की बॉटम में हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों स्लीव में बॉर्डर अटैच किया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव को अटैच करेंगे तो स्लीव को हम शोल्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से स्टिच करते हुए अटैच कर लेंगे।
इसी तरह से हम दोनों स्लीव अटैच करेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में स्लीव से लेके बॉटम तक हम फिटिंग कर लेंगे और बॉटम में हमें डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमें दोनों पार्ट्स को अलग अलग डबल फोल्ड करना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।